नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। दिनभर की जो तमाम बड़ी खबरें उनसे रूबरू कराएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजूर द्विपक्षीय यात्रा पर पहुंचे भारत। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से हुई मुलाकात। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय सहित दूसरे आपसी हितों के मुद्दे पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, भारत में वैश्विक तनाव कम करने की क्षमता, वैश्विक चुनौतियों के दौरान संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी उठाए सवाल। इसराइल की भीषण बमबारी से दहला बेरूत। हिजबुल्ला के प्लाटून कमांडर को ढेर करने का दावा। दक्षिणी लेबनान में तेज हुई आमने सामने की लड़ाई। दक्षिणी इसराइल में बस स्टेशन पर हमला, एक की मौत, कई घायल। पश्चिम बंगाल में मौसम के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में इंसाफ की मांग तेज। भाजपा ने दक्षिण 24 परगना में किया विरोध प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर साधा निशाना। महिला T20 विश्व कप में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 6 विकेट से करारी शिकस्त। 106 रन के लक्ष्य को 19वें ओवर में हासिल करके दर्ज की मौजूदा विश्व कप की पहली जीत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत की 5 दिन की राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने उनकी अगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मोहम्मद मोइजू की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक व्यापक द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया जाएगा। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परस्पर हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद मोइजू राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान आगरा, बेंगलुरु और मुंबई भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भारत की यात्रा पर आए मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू से मुलाकात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्ते को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक में मैत्रीपूर्ण संबंधों को एक नई गति मिलेगी। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 का आज समापन हो गया। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आज कई वैश्विक मुद्दों पर भारत की बात सामने रखी। जयशंकर ने ग्लोबल साउथ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की तो ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों पर विस्तार से बात की। विदेश मंत्री ने मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच यूएन जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी सवाल खड़े किए। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव 2024 के अंतिम दिन ग्लोबल साउथ से जुड़ी चुनौतियों और उसके समाधान पर सदस्य देशों ने चर्चा की और अपने अपने विचार रखे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इंडिया एंड द ग्लोब विषय पर समापन सत्र में भाग लिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, ब्रिक्स के वैश्विक विस्तार, क्वाड के महत्व और भारत के अपने पड़ोसी देशों के संबंधों सहित कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और मौजूदा समय में वैश्विक चुनौतियों से सामना करने की संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर भी सवाल उठाए। Probably the biggest thing which happened in our lives was COVID. Now think about what did the UN do on COVID, and I think the answer is not very much. Now you have two conflicts going on in the world today, two very serious conflicts. Where is the UN on them? Essentially a bystander. वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेजी से बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में एक सशक्त विदेश नीति के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर के देशों के साथ मजबूत और प्रगतिशील संबंध स्थापित कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया को AI के संभावित खतरों के बारे में भी आगाह किया। It's in the nature of things that every nation naturally prioritizes its interests, but I would argue that global south itself has great value on a multiple range of issues. And I don't have to position myself as a leader of the global south. You are part of a collective. And if in the collective you are a trusted member of the collective and you are a articulate member of the collective, I think people expect you to do a little bit more. Again, I'm not entirely sure
that some of the answers can be found bilaterally. कॉन्क्लेव के समापन सत्र में भूटान के वित्त मंत्री लियोनपो लेके दोरजी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भूटान और भारत की विकास यात्रा में भारत की भागीदारी और रणनीतिक संबंधों पर प्रकाश डाला। 4 अक्टूबर को शुरू हुए 3 दिवसीय कॉन्क्लेव के दौरान दुनिया के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में भविष्य में दुनिया की रूपरेखा और विकास की डगर पर सभी को एक साथ लेकर चलने की झलक भी साफ तौर पर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। इससे पहले सभी दल अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कल तमाम एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजों में जहां हरियाणा में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है, तो जम्मू कश्मीर में तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद अब सबको इंतजार है 8 तारीख का, जब जनता के जनादेश का पता चलेगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। अब इंतजार मतगणना के दिन 8 अक्टूबर का है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हरियाणा में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के साथ साथ इंडियन नेशनल, लोकदल, बहुजन समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी, आजाद समाज पार्टी के बीच चुनाव पूर्व गठबंधन के बीच था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, जबकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। कई एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुमान जारी हो चुके हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के अपने आकलन और संभावित आंकड़े हैं और इन्हीं के आधार पर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि इस बार जनता ने उन पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। हम तीसरी बार हरियाणा के अंदर अपने कामों के बल के ऊपर आदरणीय मोदी जी और हमारा डबल इंजन की सरकार ने जो मिलकर के हरियाणा के लोगों के हित में निर्णय किए हैं, वो लाजवाब निर्णय है। कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। भाजपा दोनों जगह पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। जनता का आशीर्वाद गरीबों, युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए काम करने वाली भाजपा की सरकार को मिलेगा। कांग्रेस ने भी जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने का दावा किया। इस वक्त हम एग्जिट पोल में जिस तरह आगे हैं, एग्जैक्ट पोल में भी उसी तरह आगे होंगे। बाकी दावा तो कोई भी कर सकता है। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा की 90 सीटों के लिए 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान हुआ था। जम्मू कश्मीर में यह विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद यह पहला चुनाव है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखना होगा किस तरफ जो अलग अलग दल अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं, 8 अक्टूबर को फिलहाल जो स्थिति है साफ हो पाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर उनको रखा गया है। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार से 10 मांगे रखी हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने सरकार से उचित जाँच के माध्यम से अभ्याग के शीघ्र और पारदर्शी तरीके से न्याय और राज्य के सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजेस में तुरंत एक केंद्रीय रेफरल प्रणाली लागू करने की मांग रखी है। साथ ही हड़ताल पर बैठे डॉक्टर्स ने मांग में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को एक डिजिटल बेड वैकेंसी मॉनिटर स्थापित करने, अस्पतालों में कार्यकारी टास्क फोर्स का गठन किए जाने और रिक्त पदों को तुरंत भरे जाने की बात कही है। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने रविवार को एक एजेंसी से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सपने को हर संभव पूरा करने का काम करेंगे, इसलिए पीएम मोदी ने बाबा साहब के नाम से 5 तीर्थस्थल शुरू किए हैं। जब मुझे कानून मंत्री बनाया गया तो हमने ये रियलाइज किया कि बाबा साहब इस दुनिया से जाने के बाद इतने साल बाद में एक बौद्ध को इस देश का कानून मंत्री के पद पर आसीन होने का मौका दिया है। ये मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने हमारे जो माइनॉरिटीज़ हैं, एससी एसटी कम्युनिटी हैं और जो हमारे बौद्ध समुदाय के लिए बाबा साहब का नाम को आगे में रखते हुए ये बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मोदी जी ने बाबा साहब के नाम से
5 तीर्थ स्थल का विकास शुरू किया है जो बाबा साहब के जीवन से जुड़े हुए हैं, और आज बाबा साहब के लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आरक्षण का विरोध करती आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो SC ST आरक्षण का विरोध उन्होंने भी किया था। नेहरू तो शुरू से आरक्षण का खिलाफ थे और पूर जोर विरोध किया। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर के चलते आज रिजर्वेशन मिला है और इक्वालिटी के नाम में कुछ हमको भी मौका मिल रहा है। आज हम लोग लोकसभा राज्यसभा में चुन के आते हैं, विधानसभा में MLA चुन के आते हैं, और जॉब रिजर्वेशंस जो मिले हैं वो तो बाबा साहब के बदौलत मिले हैं। कांग्रेस के चलते तो हम लोग तो अभी भी जंगल में ही रहते। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस की सोच का पता इससे पता चलता है कि 1947 में जब सरकार बनानी थी तब जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। बाद में महात्मा गांधी के जोर देने पर उनका नाम शामिल किया गया। 47 के बाद जब पूर्ण रूप से आज़ाद भारत का सरकार बनाना था तो जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को कैबिनेट में शामिल नहीं किया था। तब महात्मा गांधी जी ने नेहरू को कहा कि ये आपका सरकार नहीं है, ये आपका कैबिनेट नहीं है, ये देश का कैबिनेट है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को कैबिनेट में दर्जा मिलना चाहिए, और कैबिनेट में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम को फिर से शामिल किया। फिर बाबा साहब पहली बार इस देश का कानून मंत्री बने। उसके बाद से लगातार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत अपमान किया। किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी जमकर बरसते नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता बनने के बाद सुधरने की जगह राहुल गांधी और भी बिगड़ गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा राज्यसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया। कभी भी भारत का इतिहास में प्रधानमंत्री का समय जो होता है बोलने का, उसको किसी ने व्यवधान नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ कि राहुल गांधी चलो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं तो सुधर जाना चाहिए था। वो तो सुधरने का तो बात छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ गई है और देश विरोधी ताकतों के साथ खुलेआम घूम रहे हैं। अमेरिका में जा कर के जो भारत को गाली देते हैं उनके साथ घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे मिल करके तालमेल करके भारत को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कितना अफसोस की बात है हमारे देश में ऐसा नेता है। साथ ही किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक पूर्वोत्तर के राज्यों को अंधेरे में रखने का काम किया। कांग्रेस ने 60 सालों में पूरे पूर्वोत्तर राज्यों को तो अंधेरे में धकेल के रख दिया है। आपको मालूम है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा उग्रवादी संगठन जो मिलिटेंसी ऑर्गेनाइजेशन है सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में है। ये कैसे पैदा हो गया, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारे पूर्वोत्तर के लोगों का आवाज़ को सुनने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। तो मोदी जी आने के बाद 10,000 से ज़्यादा मिलिटेंट जो है हथियार के साथ में सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। साथ ही किरेन रिजिजू ने 370 का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और देश विरोधी ताकतों को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने की अहमियत कभी समझ नहीं आएगी। नहीं, चुनाव में हार जीत तो क्या है, ये तो लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना, इसका अहमियत कांग्रेस और देश विरोधी ताकतों को तो कभी समझ में नहीं आ सकता है। एक ही देश में दो संविधान कैसे मंजूर कर सकते हैं। अभी ये लोग कह रहे हैं ना कांग्रेस वाले और NC वाले कि वो सत्ता में आएंगे तो 370 को वापस लाएंगे, अलग से संविधान बनाएंगे कश्मीर के लिए। ये कोई मान सकता है क्या, हमारे देश के जो एक सामान्य से सामान्य नागरिक जो देश हित में सोचता है वो कैसे मंजूर कर सकते हैं कि धारा 370 अनुच्छेद 370 को फिर से लाएंगे और कश्मीर को अलग बनाएंगे, कोई नहीं मान सकता है।
और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इसराइल के लेबनान पर लगातार बढ़ते हमलों से स्पष्ट हो गया है कि वो हिजबुल्ला को खत्म करने पर आमादा है। बेरूत जैसे बड़े बड़े शहरों पर इसराइली हमले से पूरे लेबनान में बुरी स्थिति बनी हुई है। इस बीच इसराइल ने हिजबुल्ला प्लाटून कमांडर को मारने का दावा किया है, तो ईरान समेत अन्य देशों से मिलते समर्थन के बाद संघर्ष और ज्यादा तेज होने के आसार दिख रहे हैं। धुएं के गुबार और मलबों के ढेर में दब गया यह शहर बेरूत है, जिसके विभिन्न हिस्सों पर पिछले कई दिनों से इजराइल हिजबुल्ला को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भीषण बमबारी कर रहा है। आईडीएफ ने रविवार को हवाई हमले में हिजबुल्ला के पलटन कमांडर अली तावील को ढेर करने का दावा किया है। वो जनवरी में इजराइल पर हुए एक एंटी टैंक मिसाइल अटैक का मास्टरमाइंड था। रात में बेरूत पर किया गया हमला बेहद भयावह था। आग की ऊंची ऊंची लपटें घंटों तक रात की तारीकी को चीरती रहीं। उधर दक्षिणी लेबनान में आमने सामने की लड़ाई तेज होती जा रही है। आईडीएफ ने 25 और गांव के नागरिकों को निकल जाने का ताजा आदेश दिया है। यह अपील अरबी में जारी की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इजराइल क्षेत्र में लड़ाई के दायरे को बढ़ाने जा रहा है। उधर पूरी दुनिया इजराइल पर नजरें गाड़े हुए है कि वो ईरानी हमलों का जवाब कैसे, कब और कहां देता है। ऐसा बताया जा रहा है कि इजराइल ईरान के तेल सुविधाओं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के मुख्यालय समेत दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाने पर विचार कर रहा है। तेल सुविधाओं पर हमले की आशंका के मद्देनजर ईरानी तेल मंत्री आयल फैसिलिटी का दौरा कर सुरक्षा की समीक्षा कर रहे हैं। ईरान की ओर से मंगलवार को किए गए हमले में इजरायली सेना के नेवातिम सहित 3 अंडों को निशाना बनाने के दावे को खारिज करते हुए इजरायल के रक्षा मंत्री यो गलेंट ने कहा है कि इससे देश की वायु क्षमताओं को खरोंच तक नहीं आई है। उन्होंने ईरान को भरपूर जवाब देने का संकल्प दोहराया। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ्रांस के राष्ट्रपति पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। दरअसल मैक्रों ने इसराइल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगाने की वकालत कर दी। दरअसल मैक्रों ने कहा था कि इसराइल को गाजा में लड़ाई के लिए हथियार भेजने पर रोक लगानी चाहिए। Are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. हालांकि बाद में मैक्रों के कार्यालय ने सफाई दी कि फ्रांस इजराइल का पक्का दोस्त है और वो हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा। उधर आईडीएफ ने गाजा में फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। जबालिया को चारों तरफ से घेर लिया है। सेना ने हमास के नए ठिकानों को खत्म करने के लिए फिर से जमीनी अभियान की शुरुआत की है। इससे पहले शनिवार रात जबालिया में किए गए हमले में हमास के हथियार डिपो, सुरंगों और ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था। इजरायली सेना ने कहा है कि सोमवार 7 अक्टूबर को जंग के 1 साल पूरा होने पर गाजा बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। उधर इराक में इस्लामिक प्रतिरोध गुट ने गोलान हाइट्स में 3 ठिकानों पर ड्रोन हमले करने का दावा किया है। ये वहीं बात की जाए नई दिल्ली में डॉक्टर करण सिंह के सम्मान समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर करण सिंह के योगदान को 75 वर्षों तक सीमित करने से शायद ही उनकी विरासत की व्यापकता का पता चल सकता है। उनका इतिहास में गवाही देना और भाग लेना इस तरह से है जैसा जिसका दावा बहुत कम लोग कर सकते हैं। 16 साल की उम्र में वह जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके गवाह बने। उन्होंने सिर्फ देखा ही नहीं, उन्होंने उस ऐतिहासिक दस्तावेज की नींव को मजबूत किया। लिमिटिंग हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू जस्ट 75 ईयर्स वुड हार्डली कैप्चर द ब्रेथ ऑफ हिज लीगेसी। बोर्न इन फ्रांस ही वॉज फिगरेटिवली बैप्टाइज बाई फायर, विटनेसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन हिस्ट्री इन अ वे फ्यू कैन क्लेम। By the age of 16, he stood witness
to the signing of the instrument of accession at a pivotal moment in the nation's history. He didn't just observe, he strengthened the very foundation of that historic document. At 18, Dr. Singh assumed the role of regent, a momentous occasion. भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 8 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के थोई से अरुणाचल प्रदेश के दवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी वायु वीर विजेता का रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली का समापन 29 अक्टूबर 2024 को तवांग में होगा। रास्ते में वायु योद्धा जो हैं वो 16 पड़ावों पर रुकेंगे, जहाँ वे विभिन्न कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारतीय वायुसेना द्वारा अपनी तरह के अनोखे सार्वजनिक आउटरीच कदम के तहत 8 अक्टूबर को वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ पर थॉइस एयरफोर्स स्टेशन से तवांग तक भव्य कार रैली का शुभारंभ किया जाएगा। केंद्रीय राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और पश्चिमी दिल्ली के सांसद कमलजीत सहरावत वायुसेना योद्धाओं का समर्थन करने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये रैली IAF द्वारा उत्तराखंड युद्ध स्मारक के सहयोग से आयोजित की गई है। IAF की एडवेंचर सेल इस रैली का नेतृत्व और समन्वय कर रही है। ये रैली अक्टूबर में शुरू होगी, नवंबर में पूरी हो रही है। अक्टूबर के महीने में ही चीन ने हम पर हमला किया था, विश्वासघात किया था, और जिस जगह से हम लोग यहाँ आए हैं वहाँ पे हमने लड़ाई की थी, और इसी जगह से मेजर शैतान सिंह ने चीनियों का मटिया मेट कर दिया था, जिनको बाद में भारत सरकार ने परमवीर चक्र दिया। उनकी वीरता की गूंज यहाँ अभी भी मौजूद है। और उत्तराखंड से जसवंत सिंह रावत राइफलमैन ने चीनियों को मिट्टी में मिला दिया था, उनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मेजर शैतान सिंह की वीरता की गाथा हम महावीर चक्र विजेता जसवंत सिंह रावत की वीरता की गाथा नेफा जो पहले था अरुणाचल प्रदेश तक लेके जा रहे हैं, और देश के नौजवानों को ये बता रहे हैं कि जिंदगी का उद्देश्य अगर सशस्त्र सेनाओं में आकर पूरा करेंगे तभी जिंदगी अच्छी बनेगी। रैली में खास तौर पर उत्तराखंड युद्ध स्मारक के दिग्गज तवांग तक जाएंगे। विंग कमांडर विजय प्रकाश भट्ट की कमान में वायुसेना और सेना के कई अधिकारी इस रैली का नेतृत्व कर रहे हैं। रैली में 50 से अधिक वायु योद्धाओं में महिलाएं भी शामिल हैं। हो ही नहीं सकती, आपको एक ही जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है। लोगों को इंस्पायर करने का, एडवेंचर में जीने का, हर टेरेन में लाइफ को बिताने का, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे प्लेन्स हो। हमारा इंडिया का टेरेन इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ है यहाँ। बट आर्मी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यदि आप हैं तो आप हर तरह के टेरेन में जा सकते हो और अपनी लाइफ में हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हो। लद्दाख से हम अरुणाचल प्रदेश तक के जाएंगे, और हमारा ये संदेश है सबके लिए कि वो बढ़ चढ़ के आए और राष्ट्र निर्माण के काम में सहयोग करें। जय हिंद। इस भव्य रैली में तय की जाने वाली यात्रा की कुल दूरी 7000 किलोमीटर है, जो 9 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। रैली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी लेह में इस लॉन्च में एक दिलचस्प टैगलाइन हाँ हम लड़ाकू विमानों के लिए भी राजमार्ग बनाते हैं के साथ भाग ले रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से रैली को रवाना किया था। देश की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाएं सशस्त्र सेनाओं में शामिल होकर गौरव अभिमान तथा देश सेवा के लिए शानदार जीवन जीने की भी बात सोचें, और यह भाव अधिक से अधिक फैलाना मैं समझता हूँ यह बहुत ही आवश्यक है। हमारी आकाशीय सीमाओं की रक्षा में उसने अनेक महान उपलब्धियाँ भी हासिल की हैं, और यह भी दिखाया है कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए हम उसके घर में घुसकर भी प्रहार करने की क्षमता रखते हैं। हमारी सरकार में वायुसेना को अधिक सक्षम और आधुनिकतम युद्धक विमानों से लैस करने का कार्य हो रहा है और हुआ भी है। विजयी वायु योद्धाओं के सम्मान में एक हिंदी वायुसेना गान जय हिंद की वायुसेना, जय हिंद के वायुवीर भी इस मौके पर जारी कर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस रैली का उद्देश्य सभी को IAF के गौरवमय इतिहास और वायु योद्धाओं की वीरता के बारे में बताने के साथ साथ मातृभूमि की सेवा के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित करना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, GD न्यूज। बता दें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लोगों का अनावरण किया, साथ ही उन्होंने वेबसाइट और ऐप को भी लॉन्च किया।
लोगों में कुंभ का प्रतीक कलश है जिसमें ओम लिखा है और संगम का दृश्य नजर आ रहा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी की। लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित 36वें अखिल भारतीय एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट के कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। प्रतियोगिता में देश भर से सम्मिलित सभी टीमों को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी। खबर बिहार से, जहां के रोहतास जिले के तुम्बा गांव में सोन नदी में नहाने के दौरान डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कटिहार जिले के सरिया ढाल के पास नदी में नहाने के दौरान डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बच्चों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। नीतीश कुमार ने कहा कि यह हादसा बेहद दुखद है और वे इस घटना से बेहद दुखी हैं। उन्होंने बिहार के सभी मृतकों के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपये की अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बात करते हैं मुंबई की, जहां चिमपुर इलाके की एक दुकान में लगी आग से 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग झुलस गए हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों का इलाज सरकारी खर्चे पर किए जाने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, घटना की उच्च स्तरीय जाँच कराई जाएगी। भीषण हादसा सुबह करीब 5:15 पर सिद्धार्थ कॉलोनी में हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं, सभी इस दौरान सोए हुए थे इसलिए आग लगने का आभास नहीं हुआ। नीचे दुकान थी और ऊपर की मंजिल में परिवार रहता था। सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और पीड़ितों को रेस्क्यू करने की पूरी कोशिश की। फिर उन्हें राजवाड़ी अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये गुप्ता परिवार है, उसमें 7 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल है। शासन की ओर से उनको 5 लाख रुपए की प्रत्येक जो मृतक है उसको परिवार को दिया जाएगा। 2 लोगों को जो घायल है उनका भी इलाज शासन करेगा। इसकी उच्च स्तरीय चौकसी होगी, इंक्वायरी होगी और दोबारा ऐसी दुर्घटना ना हो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद यानी LGBT प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। इस रणनीति पर चलते हुए वर्ष 2024 में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। इस साल तक अब तक करीब 202 नक्सली मारे जा चुके हैं। और बात करते हैं नवरात्र की। जो यहां नवरात्र का पर्व मां दुर्गा की आराधना का महापर्व है। पवित्र शारदीय नवरात्रों में विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल मां वैष्णो देवी भवन पर भक्ति का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। देशभर से रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। नवरात्र के मौके पर कटरा में वैष्णो देवी यात्रा का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी यही इच्छा होती है कि माँ के उनके दर्शन हो जाएं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और इसको लेके देश विदेश से लोग जम्मू आते हैं और जम्मू से वो कटरा आते हैं और कटरा से माँ वैष्णो देवी के दरबार तक की यात्रा करते हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप दर्शन के लिए आए हैं? हाँ जी सर।
किस तरह की सुविधा आप देख रहे हैं? श्राइन बोर्ड ने काफ़ी सारी सुविधाएं की हैं लोगों के लिए, और खासकर नवरात्रि के मौके पे खासी सुविधाएं। आप लोग की यात्रा के दौरान किस तरह की सुविधाएं हैं, इसके बारे में बताएंगे? सर, हमें बहुत अच्छा लगा, अरेंजमेंट पूरा काफ़ी अच्छा था। हर जगह जगह पानी की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, और कोई इशू आया नहीं। बस माँ के शरण में आए कि बस माँ अच्छा करेगी। बहुत अच्छा है यहाँ पे, सुविधा भी बहुत अच्छी है, हर चीज़ में कोई भी चीज़ की वो लुटाई नहीं है। अच्छा है, बहुत मज़ा आया। माता रानी इच्छा भी सबकी पूरी करती है। जय मिसेर वाली माँ। इतना खूबसूरत सजाया है नवरात्रि की जो है, और माँ का जो आशीर्वाद है कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड के ऊपर भी है, क्योंकि माँ की कृपा के चमत्कार तो बहुत मेरे घर भी हुए हैं, बहुत कुछ हुए हैं, लेकिन इतना खूबसूरत मैंने नहीं देखा जैसा इंतजाम है। बहुत प्यारा इंतजाम है, बहुत बेहतरीन इंतजाम है। और बात करते हैं कि जिस तरह से हर साल नवरात्रि को लेकर तैयारियां की जाती हैं, और जो व्यवसाय हैं उनको भी एक उम्मीद होती है कि हर साल जो टूरिस्ट बढ़ रहा है तो उनके व्यवसाय में भी वृद्धि हो। सर, हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि में लोग आ रहे हैं, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? जो आपका व्यवसाय है, जो बिजनेस है, उसको किस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे हैं पिछले सालों की तुलना? पिछले साल भी ठीक ही रहा थी, यात्रा ठीक रही थी, और हमें इस साल भी आशा की यात्रा अच्छी रहेगी। तो नवरात्रों में तो रश होता ही होता है। श्राइन बोर्ड के तो काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए यात्रियों के लिए, हर यात्री को मद्देनजर रखते हुए उनकी सुविधा के अनुसार उन्होंने अपना वो क्या नाम है अपना उनके जो पर्ची काउंटर अलग से बनवाए हैं, और जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी अलग से सुविधाएँ दी हुई हैं। मतलब श्राइन बोर्ड ने बहुत अच्छा किया हुआ है। नवरात्रा फेस्टिवल हमारे लिए एक ऐसा होता है कि घर पे माँ विराजमान हो जाती है, उसके लिए एक तो हमें ये चाहिए टूरिस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, कटरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, हर एक व्यापार मंडल को यही चाहिए भाई उनका काम अच्छा चले, होटल मैनेजमेंट का अच्छा काम चले, श्रद्धालु अच्छे से आए यहाँ पर, और मैनेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। जो यहाँ पे तैयारियाँ हैं, और ख़ासकर माँ के दरबार में जाने के लिए जिस तरह की एक सबकी अरदास होती कि जाके सुगम तरीके से दर्शन हो, आपने कैसे महसूस किया? बहुत अच्छी उन्होंने अरेंजमेंट कर रखी है, हमें तो बहुत अच्छा लगा। डॉर्मेटरी बेड मिला, इवन सब कुछ बड़ा स्मूथ था, सब कुछ ऐसी कोई भी नहीं था कि जिगजैग था या फिर हमें कोई भी असुविधा महसूस हुई, बहुत अच्छे तरीके से कर रखा है श्राइन बोर्ड। जय माता दी। लगातार नवरात्रि को लेकर जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो यहाँ माता वैष्णो देवी के दरबार में उमड़ रही है, और उम्मीद हर व्यक्ति यही कर रहा है कि उनको माँ के जो दर्शन हो और उनकी जो मुरादें हैं माँ दर्शन के बाद पूरी करें, और वो इसी उम्मीद के साथ देश दुनिया के हर कोने से माता वैष्णो देवी दरबार में आते हैं, और कटरा से वो अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जम्मू के कटरा से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज जम्मू। नवरात्रि के दौरान माता के भक्त देश विदेश के अलग अलग कोनों से वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी धाम इस बार शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर स्वर्ग सा दिखाई दे रहा है। कटरा में मौजूद डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत के दौरान श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा कि इस बार पूरे नवरात्रि में माता वैष्णो देवी धाम में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की यात्रा बेहद खास है, क्योंकि हर साल की तरह इस बार भी नवरात्रि पर विशेष तैयारियां की गई हैं। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए RFID यात्रा कार्ड, स्पेशल प्रसाद, लंगर व्यवस्था, यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा इंतजाम के साथ अन्य आवश्यक सेवाएँ शामिल हैं। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। हमारे साथ बात करने के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग जी हैं। सर, एक बड़ी उम्मीद से माँ के दरबार में भक्त आता है दर्शन करने के लिए, और जब नवरात्रि हो तो एक विशेष मौका होता है माँ के दरबार में जाकर अपनी बात को रखने का, क्या खास तैयारियाँ? देखिए, जैसा आपने फरमाया कि लाखों की तादाद में लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए, खास करके नवरात्रि के इस पावन अवसर पर, और बोर्ड की तरफ से भी काफ़ी पुख्ता इंतजाम हर साल रहते हैं, चाहे वो चैत्र नवरात्रि हो या शारदीय नवरात्रि हो, और हमें उम्मीद भी रहती है कि लाखों की तादाद में, क्योंकि लोग आएंगे तो चाहे वो पंजीकरण की बात हो, क्राउड मैनेजमेंट की बात हो, व्यवस्था की बात हो, यात्री सुविधाओं की बात हो, सभी के ऊपर बोर्ड का विशेष ध्यान रहता है। और इस साल रेलवे स्टेशन पर एक डेडिकेटेड यात्री रजिस्ट्रेशन काउंटर की स्थापना की गई है। एक एवरेज अगर हम बात करें तो माता वैष्णो देवी के दरबार में एक एवरेज क्या संख्या रहती है, और नवरात्रों में वो संख्या कितनी इंक्रीज होती है? देखिए, अगर हम एवरेज सालाना एवरेज की बात करें तो पिछले साल सन 2023 में 95 लाख से ज़्यादा यात्री माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आए, तो तकरीबन 26,000 का इसको हम एवरेज में अगर कन्वर्ट करें तो रहता है। लेकिन अगर मैं लीन और पीक सीजन की बात करें तो नवरात्रि के दौर में 50,000-60,000 तक भी श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुँचते हैं, और लीन सीजनों में 10,000 का आंकड़ा भी रह जाता है।
और कोशिश रहती है कि नवरात्रि के दिन हम विशेष इंतजाम रखें, क्योंकि इन 9 या 10 दिनों के अंदर तकरीबन 3.5-4 लाख श्रद्धालु भी माँ वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। जो श्राइन बोर्ड ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं और खासकर दिव्यांगों को लेकर या किसी और लोगों को लेकर, वो किस तरह के इनिशिएटिव रहे? देखिए, पिछले 2-2.5 साल की हम बात करें तो बोर्ड के द्वारा भवन पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर काफ़ी कार्य हुए हैं। माननीय उपराज्यपाल द्वारा पिछले साल भवन पर दुर्गा भवन का उद्घाटन किया गया, जिससे तकरीबन 3,000 अतिरिक्त श्रद्धालु जो हैं हर रोज़ भवन पर विश्राम कर पा रहे हैं, रुक पा रहे हैं। एक नए वैष्णवी भवन का निर्माण कार्य जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में कुछ दिनों में एक नई यज्ञशाला का उद्घाटन किया गया है, ताकि हवन की जो फैसिलिटी है वो सभी श्रद्धालुओं को हर रोज़ उपलब्ध हो पा रही है। एक रोपवे जो कटरा से और भवन तक का काम प्रस्तावित था, उसमें कितनी गति आई है और वो कब तक प्रारंभ होने की बात है? देखिए, बोर्ड की तरफ से ये कुछ 1.5 साल पहले ये निर्णय लिया गया था कि जो हमारे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग हैं, मेडिकली अनफिट लोग हैं, जो ये शायद ये 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर पाते हैं, उनकी सुविधा के लिए ये व्यवस्था लाई जाए रोपवे की, ताकि सभी लोग सरल तरीके से भवन पहुंच सकें और माता रानी के दर्शन कर सकें। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए रोपवे प्रोजेक्ट की पूरी प्रक्रिया राइट्स जो हमारी PSU है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर, उसके द्वारा इस प्रोजेक्ट को आगे अंजाम दिया जा रहा है। ये थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग जी, जिनका साफ तौर पर मानना है कि लगातार एक सतत प्रयास से जो भी देश विदेश से यात्री माँ के दरबार में आते हैं, उनको सुविधा युक्त यात्रा मिले और माँ के सुगम दर्शन प्राप्त हो, उसको लेके श्राइन बोर्ड लगातार काम कर रहा है। और खासकर जब बात हो नवरात्रि की, तो उसको लेके भी विशेष सुविधाओं का यहाँ पे उन्होंने प्रबंध किया है। साथ में इनकी अपील यात्रियों से कि वो सुरक्षित यात्रा के लिए जो इनकी तरफ से गाइडलाइन दी गई है उसका भी खास ख्याल रखें। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD News कटरा, जम्मू। और वहीं 2 सितंबर से शुरू हुई बीजेपी की राष्ट्रीय सदस्यता अभियान को शानदार सफलता मिल रही है। सदस्यता अभियान के इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास करती है। मुख्तार अब्बास नकवी से बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह ने। मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चा का यहाँ पे सम्मेलन था काशी में, इसमें मुख्य अतिथि थे। मुख्तार साहब क्या कहेंगे? ये भी हुआ और बहुत अच्छा है। समाज के सभी वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ले करके चलने पे विश्वास करती है। समावेशी विकास और सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण संकल्प। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, क्या कहेंगे अपने साथियों से? सभी लोग साथ हों हमारे और सभी लोग साथ हैं। इंडिगो एयरलाइन ने आइजोल और दिल्ली के बीच उड़ानों को दोगुना कर दिया है। आज मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने लिंगपुई हवाई अड्डे से नई इंडिगो फ्लाइट को हरी झंडी दिखाई। अब मिजोरम और दिल्ली के बीच उड़ानें पहले से दोगुनी, मतलब प्रति सप्ताह 5 से बढ़कर 10 उड़ानें हो जाएंगी। हवाई सेवा में ये विस्तार मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि अंतरिक्ष उड़ानों से मिजोरम के शेष भारत के साथ संबंध और भी मजबूत होंगे, साथ ही आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। और आइए रुक कर लेते हैं वैश्विक खबरों की तरफ भी। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के विरोध प्रदर्शन से उपजी अशांति के कारण रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मोबाइल फोन सेवाएं 3रे दिन भी बाधित हैं। दोनों शहर में अभी भी हालात सामान्य नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। PTI के विरोध प्रदर्शन से इस्लामाबाद में जगह जगह सड़कें बंद होने से आवागमन मुश्किल हो गया है। उधर विरोध प्रदर्शन से निपटने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस अधिकारी तैनात किए गए हैं। PTI के विरोध प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री मोहसिन नकवी ने दावा किया था कि इस्लामाबाद में 564 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें PTI के प्रदर्शनकारियों के अलावा खैबर पख्तूनवा पुलिस के 11 अधिकारी और 120 अफगान नागरिक भी शामिल हैं। पाकिस्तान में चल रहे उथल पुथल के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। पाकिस्तान में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों को 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान के विभिन्न स्थानों पर आने जाने से बचने और अपडेट के लिए स्थानीय मीडिया पर नजर रखने की सलाह दी है। देश में नशीले पदार्थों का कारोबार करने वालों के खिलाफ ATS का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है।
गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की संयुक्त टीम ने भोपाल में नशीले पदार्थ बनाने वाली एक ड्रग फैक्ट्री से 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा का ड्रग्स बरामद किया है। साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने बताया कि ड्रग फैक्ट्री से दोनों आरोपियों को फैक्ट्री में पकड़ा गया और तलाशी के दौरान तरल और ठोस दोनों रूपों में 907 किलोग्राम में मेफेड्रोन जब्त की गई है। ये जो गुजरात एटीएस और एनसीबी ऑपरेशंस की संयुक्त टीम है, इसने भोपाल में इस फैक्ट्री को आइडेंटिफाई करके बगरोड़ा एमपीआईडीसी का एक इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां से इस फैक्ट्री को पकड़ा। फैक्ट्री में से हमें ये जो दोनों आरोपी अमित चतुर्वेदी और सन्याल बाने मिल गए। जब उस फैक्ट्री की पूरी सर्च की गई तो वहाँ पे लगभग 907 केजी एमडी जो कि लिक्विड और सॉलिड दोनों फॉर्म में था, उसको वहाँ से सीज किया गया। इस टोटल एमडी की कीमत लगभग 1814 करोड़ इंटरनेशनल मार्केट में होती है। इसके अलावा भी वहाँ पे लगभग 5000 किलो जो दूसरे रॉ मटेरियल्स हैं, प्रीकर्सर्स हैं जो एमडी बनाने में प्रयोग में आते हैं, उन सब का वहाँ से सीजर किया गया। अभी तक हमने जितनी भी लैब्स ब्रस्ट की हैं, इसमें से ये सबसे बड़ी लैब है। मेघालय के गारो हिल्स में भूस्खलन से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मेघालय के डालू क्षेत्र में भूस्खलन से हुई तबाही को दूर करने और बचाव अभियान के लिए प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है। वहीं मेघालय के रोंगजेंग ब्लॉक के अंतर्गत गोंगडॉप गांव में भूस्खलन में दबकर मारी गई माँ और बेटी का शव मलबे से बरामद हुआ। वहीं एक अन्य घटना में डालू वेस्ट गारो हिल्स में एक कार पर पेड़ गिर जाने से एक पुरुष की मौत हो गई। उधर मेघालय के बिजली मंत्री अबू ताहिर मंडल ने आपदा प्रभावित डालू और आसपास के इलाकों में राहत शिविरों का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत की। मंत्री ने पीड़ितों का जायजा लेने के लिए डालू सीएचसी का भी दौरा किया। उन्होंने ब्लॉक कार्यालय में वेस्ट गारो हिल्स के उपायुक्त और डालू के बीडीओ के संग समीक्षा बैठक भी की। उधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी कर कहा है कि लोग अगले 24 घंटों तक सुरक्षित स्थान पर रहें और मौसम संबंधी सलाह का पालन करें। और बात करते हैं खबर की जो कि नीट से जुड़ी हुई है। दरअसल सीबीआई ने नीट परीक्षा पेपर लीक से जुड़े मामले में 21 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई की विशेष कोर्ट में एक चार्जशीट दाखिल की है। ये चार्जशीट पटना स्थित सीबीआई के विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके पहले भी सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई अब तक कुल 3 चार्जशीट नीट पेपर लीक केस में दाखिल कर चुकी है, जिसके अंतर्गत करीब 40 आरोपियों के खिलाफ अब तक चार्जशीट दाखिल हुई है और आने वाले दिनों में इसी केस में जैसे तैसे जो तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कुछ और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की जा सकती हैं। आपको बता दें कि सीबीआई ने नीट परीक्षा से जुड़े मामले में अब तक कुल 48 आरोपियों को तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं जम्मू कश्मीर में जम्मू के हरौटा में रिंग रोड के पास भारतीय सेना ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए हैं। सेना के अधिकारियों ने बताया है कि भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के झुलास इलाके में हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा जब्त किया। सेना के अधिकारियों के अनुसार एक गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी शुरू की गई और एक संदिग्ध आतंकवादी के बैग से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद सामान में AK-47 राइफल और पाकिस्तानी मूल की पिस्तौल के राउंड और RCIED टाइम डिस्ट्रक्शन IED स्टोव IED के लिए विस्फोटक और चीनी ग्रेनेड जैसे विस्फोटक शामिल हैं। वहीं जम्मू के SP ब्रजेश शर्मा ने बताया कि सेना के संग तलाशी अभियान में बरामद विस्फोटक को नष्ट भी किया गया है। इवनिंग की बात है तो हमारी एक जॉइंट पेट्रोल चल रही थी आर्मी के साथ, तो उसमें हमें एक रिंग रोड के साइड पे ग्रोटा का एरिया यहाँ पे है एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट मिली, तो उसी के बाद हमें लगा कि शायद ये कोई एक्सप्लोसिव आइटम है। हम अकॉर्डिंगली हमने जो है वो BDS टीम के साथ टाइप किया और अभी BDS टीम हमारे मौके पे आई थी और इसको हमने जो है वो डिस्पोज आउट किया है। आपको बता दें भारत ने 3 T20 मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। जीत के लिए 128 रन के लक्ष्य को भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 11.5 ओवर में ही हासिल कर लिया। भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या ने 16 गेंद पर नाबाद 39 रन की विस्फोटक पारी खेली। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 14 गेंद पर 29 रन का योगदान दिया। संजू सैमसन ने 29 और अभिषेक शर्मा ने 16 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले टॉस
हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम 19.5 ओवर में 127 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मेहमान टीम के लिए मेहंदी हसन ने सबसे अधिक नाबाद 35 रन बनाए। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह सबसे किफायती गेंदबाज रहे, उन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने भी 3 विकेट लेने में सफलता पाई। और बात अगर की जाए महिला T20 क्रिकेट विश्व कप की, तो यहां पर भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। 106 रन का लक्ष्य को भारतीय टीम ने 4 विकेट गंवाकर 19वें ओवर की अंतिम गेंद पर हासिल कर लिया। भारत ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआती देने की कोशिश की। हालांकि स्मृति 7 रन बनाकर जल्द ही आउट हो गई। शेफाली 32 रन बनाकर आउट हुई। जल्द ही जेमिमा भी 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऋचा घोष खाता भी नहीं खोल पाई। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने एक छोर संभालने रखते हुए रन बनाना जारी रखा और टीम को जीत के करीब ले आई। हालांकि हरमनप्रीत 29 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गई। मौजूदा विश्व कप में भारत की ये पहली जीत है। इससे पहले पाकिस्तान ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की शानदार गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी तेजी से रन नहीं बना पाए और टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 105 ही रन बना सकी। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता सरकार सच का सामना करने से घबरा रही है। प्रदेश सरकार को डर है कि दक्षिण 24 परगना की क्रूर घटना के बाद पीड़िता के परिवार वाले हाईकोर्ट न चले जाएं। एक तरफ ममता सरकार घटना की सीबीआई जांच से कतरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट जाकर मामले को और जटिल बनाने में लगी हुई है। ये समझ से परे है कि ममता सरकार घटना की निष्पक्ष जांच को लेकर इतनी घबराहट में क्यों है। अमेठी में शिक्षक रहे सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, पुत्री सृष्टि और लाडू की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुनील कुमार के परिवार को तत्काल में आर्थिक मदद के तौर पर 5 लाख की धन राशि उपलब्ध कराई गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभारी मंत्री राकेश सचान के ने शिक्षक के परिजनों से सुदामापुर गांव में मुलाकात की और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक आवास, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख की राशि, 5 बीघे भूमि पट्टा आवंटन सहित 33 लाख रुपये की राशि का चेक प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और उनका निर्देश है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद शुद्धता के पैमाने पर खरा पाया गया है। उज्जैन संभाग आयुक्त और उज्जैन दुग्ध संघ के प्रशासक संजय गुप्ता ने कहा कि एक श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद का FSSAI मान्यता प्राप्त लैब में टेस्ट कराया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के विभिन्न टेस्ट कराए गए और प्रसाद के 13 के 13 मानदंडों पर प्रसाद जो है वो खरा उतरा। एक भक्त जन द्वारा लड्डू प्रसादी का टेस्ट करवाया गया, वो टेस्ट भारतीय मानक स्टैंडर्ड के लिए FSSAI बोलते हैं, जिसको कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रिकॉग्नाइज लैब से करवाया गया। उनके द्वारा 13 प्रकार के डिफरेंट टेस्ट करवाए और ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रसादी 13 की 13 मापदंडों में प्रसादी में वो खरा उतरा। भक्तों की भावनाओं के लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक थर्ड पार्टी ने यहाँ का एनालिसिस करवा के भक्तजनों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जाता है। पिछले कुछ महीनों में कई सपा नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं, जिसे लेकर भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अमित मालविया ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कपड़े उतारने से सपाइयों का चरित्र नहीं बदलता, अगर फेक वीडियो ही डालने हैं तो राहुल गांधी से कोचिंग क्यों नहीं लेते। वैसे पिछले कुछ दिनों में कई सपा नेताओं पर लगे रेप और आपराधिक केसों के बारे में क्या कहना है, ये सभी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी हैं। सपा प्रमुख के बेहद करीबी पूर्व विधायक रामेश्वर यादव और भाई जोगेंद्र यादव पर रेप का एक और केस दर्ज कराया गया है। एटा में नौकरी देने के बहाने बुलाया, हाथ पैर बांध कर दरिंदगी की गई थी। ये कार्रवाई 9 साल बाद पीड़िता की शिकायत पर हुई है। बीते 2 से 3 महीनों में कई सपा नेता बेहद संगीन अपराधों में गिरफ्तार हुए हैं। अयोध्या में सपा नेता मोहित खान और राजू खान को गिरफ्तार किया गया।
अखिलेश की ही संसदीय सीट कन्नौज से नवाब सिंह यादव को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 6 सितंबर को यूपी पुलिस ने सपा कार्यकर्ता शाबान को गिरफ्तार किया था जिसने दलित नाबालिग का बलात्कार किया था। यूपी पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग को पत्नी सहित गिरफ्तार किया है जिसके घर से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी जो वहां काम करती थी। सपा के पूर्व प्रदेश सचिव वीरेंद्र बहादुर पाल पर भी इसी महीने बलात्कार के मामले में FIR दर्ज हुई है जिसके बाद से वो फरार हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर हाल ही में किडनैपिंग, मारपीट और धमकी का केस दर्ज हुआ है। हर मामले में सपा यही कह रही है कि हमें फंसाया गया है, साजिश हुई है, सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, लेकिन सपा की एक भी बात कोर्ट में साबित नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से सपा नेताओं द्वारा इतने अपराधों को अंजाम देना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या जनता से सपा को वोट देकर कोई भूल कर दी है? इन तमाम मामलों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुप्पी हैरान करने वाली है। DNA टेस्ट की मांग भी नहीं कर रहे, ऐसे कैसे चलेगा? ये कहा है अमित मालवीय ने और कहीं ना कहीं निशाना साधते नजर आए अखिलेश यादव पर। राजस्थान के 12 नगर में कृषि उपज मंडी में RSS के स्वयंसेवकों की एक सभा को संबोधित करते हुए सरसंचालक मोहन भागवत ने कहा कि समाज में आचरण का अनुशासन, राज्य के प्रति कर्तव्य और लक्ष्य उन्मुख होने का गुण होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें एकजुट होना होगा, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति और प्रांत के मतभेदों और विवादों को दूर करके एकजुट होना होगा। समाज ऐसा होना चाहिए जिसमें संगठन, सद्भावना और आत्मीयता का आभास हो। भगवान बचाओ, अरे भगवान उनको बचाता है जो खुद कुछ करते हैं। वो पांडव जब अपने शस्त्र निकालकर रथ में बैठे युद्ध के लिए, तब भगवान ने उनका सारथ्य किया। भगवान का तो सामर्थ्य था, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। भ्रुकुटी टेढ़ी कर देते तो सब दुष्ट लोग मर जाते, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया। क्यों? भगवान ऐसे कभी करता नहीं। काम तो उसकी दुनिया में जिन्होंने जन्म लिया है उन्हीं को करना पड़ता है। सत्य संकल्प के पीछे भगवान सहायभूत होके खड़े हो जाते, छोटी छोटी परीक्षाएं लेके रहते हैं। बात करते हैं कश्मीर घाटी की, जहां के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग के लिए एक प्रमुख आकर्षण है, जहां ऊंचे इलाकों में सीजन का पहला हिमपात हुआ। बर्फबारी के कारण बर्फ की एक झीनी सफ़ेद चादर चारों ओर बिछी नजर आई, इससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखी गई है, जबकि कश्मीर के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि गुरेज बांदीपोरा सड़क यातायात के लिए खोल दी गई है और किसी भी आपात स्थिति में वो DC कार्यालय बांदीपोरा में स्थापित नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। वहीं लोगों ने इस बर्फबारी का काफ़ी आनंद लिया। पर्यटकों ने कहा है कि वादियों का ये खूबसूरत नज़ारा बेहद यादगार है। बर्फ के लिए तरस गए थे पाँच दिन से यहीं पे हैं हम लोग, लेकिन जहाँ पे भी जाओ बर्फ देखने को ही नहीं मिला था। कल सुनने में आया, होटल वाले ने बोला कि बर्फ हुई है ऊपर, गोलकुंडा राइड के अंदर जाओ आपको मिलेगी, हल्की सी नीली है, खुशी मिली है, बस कल निकलना है। लास्ट क्लास में बर्फ़ ने हमको खुश कर दिया। कश्मीर नाम सुन के सबसे पहले बर्फ़ ही आता है दिमाग के अंदर, लेकिन वो अभी पूरी हो गई। कश्मीर तभी जन्नत रहेगी जब इधर बर्फ़ रहेगा, पर अगर लोग हमारे जैसे आए पहले ही अक्टूबर में तो अच्छा नहीं रहेगा, बाद में ही आना चाहिए। तो कश्मीर की जन्नत और वादियाँ का मजा लो। नाइस एक्सपीरियंस यहाँ पर, थोड़ा ही मिला था। अभी नवंबर उतना होता है कि नवंबर से लोग को स्नो मिलता है, हम लोग को अक्टूबर मिल गया, इट्स नाइस। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।